वो क्या है कि गर्मियों का टाइम चल रहा है, तो हमारी मम्मा ने हमारे बाग में से जो 5 आम के पेड़ है ना, उन सब में से थोड़े थोड़े से आम ले लिए। वो क्या है, बंदरों से और गिलहरियों से भी तो बचाना होता है। और उन्होंने सोचा कि चलो कुछ बनाया जाए, कुछ अचार या फिर उनको चटनी बनानी होगी। और जब मैंने वो कटे हुए कच्ची आमियाँ देखी, जो मतलब कच्ची भी थी और पकी हुई भी थी, तो मेरा दिल अचानक से किया कि चटकारे ले ले के खाऊं नमक के साथ। और वो जो मैंने खाना शुरू किया, उसके बाद मुझे अचानक से एक आम भी खाते ही मुझे एक टाइम याद आया, जब नानी के यहाँ जाते थे हम, शाहजहानपुर है मेरी नानी, तो हम बचपन में जाया करते थे ना, कि वेकेशन नानी का घर ही हुआ करता था। सारे के सारे बच्चे जो हैं, खाला के, मामू के बच्चे, सब लोग वहाँ चले जाते थे। अब क्या था, जब हम पहुँचते थे, नानी के सभी दुलारे थे और नानी हम सबको एक कच्चा कमरा हुआ करता था, वहाँ पे बैठाती थी और खूब सारी बातें करती थी। और हम सब लोगों की नज़र सामने होती थी एक चारपाई, उस पर एक हल्की सी चादर होती थी, पतली महीन सी बिल्कुल, और उसमें कच्चे आम सूख रहे होते थे। शायद उनको सिरके में डालने थे, या फिर शायद उनको अचार बनाना था, या फिर सुखाने थे, उसकी एक तरीके की इमली बनाने के लिए। और हम सारे बच्चों को लगता था कि अरे यार, एक पीस उठा लेंगे तो क्या जाएगा, एक पीस उठा लेंगे तो क्या जाएगा। अब क्या है कि ये जो कच्चे आम होते हैं, अगर आप एक पीस खा रहे हैं तो मतलब कुछ नहीं होता आपका एक पीस से, आपको और ज़्यादा चाहिए होते हैं। तो हम एक 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 लेते थे और यही सोचते थे कि मतलब किसको पता चल रहा है, नानी को क्या ही पता चलेगा, किसी और को, खाला मामू, उनको क्या ही पता चलेगा, अरे एक और ले लिया जाए। तो उस चक्कर में चारपाई पे जो चादर थी, उसमें कुछ ही मतलब इक्का दुक्का ही बचते होंगे आम के पीस, बाकी हम सब खा जाया करते थे। फिर हम लोग की डांट भी पड़ती थी, फिर पूछा जाता था कि भाई किसने खाए ये आम के पीसेस, किसने खाई ये आंबिया, और हम बोलते थे नहीं मैंने तो नहीं खाई, मैंने तो नहीं खाई। और हम या फिर बोलते थे कि अरे भाई इक्का दुक्का खाई थी, मैंने तो सारी नहीं खाई। और फिर हम लोगों के कान पकड़ के हमारी डांटें लगती थी, पर माफ़ कर दिया जाता था। तो आज ये अंबिया खा के मुझे आज फिर वही नानी के टाइम याद आया, जब अगर छुट्टियां होती थी या फिर वेकेशन की बात होती थी, तो हमें सिर्फ नानी का घर सूझता था। ये थी कच्ची अंबिया।